जी तो भाई नाज़रीन, इट्स 6:24 एंड वी आर गेटिंग लेट। तो भाई अभी टाइम नहीं है व्लॉग में बातें करने का, भी निकलते हैं। ये फैम व्हाट्सएप के साथ हो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज जा रहे अपने करिए हमारी दावत अपने घर पे। तो अभी हम जा रहे हैं लारेब और जनाब के घर पे, तो वहाँ चल के देखते भाई क्या सीन है, क्या है। और यार इफ्तारी में टाइम बहुत कम है, आज फिर जलील होंगे हम, फिर जलील होंगे हम, क्या मतलब यार। चलो निकलते हैं। हाँ तो भाई यार बहुत लेट कर दिया तुमने आज। हाँ तो इतना लेट जा रहे हम लोग। सही है, कार जो है ना घर पे भी सीसीटीवी कैमरा होता है, उसमें 24 आवर्स रिकॉर्डिंग हो रही होती है। अच्छा आज तो भाई हमारे साथ फिजा भी जा रही है। ओहो क्या व्यू आ रहा है ऊपर पर, फुल भाई पेड़ ही पेड़ और यहाँ एस्थेटिक फिजा भाई, क्या बात है, क्या बात गाइस, बहुत ही बड़ी बात जी बात है गाइस, जी बात है। यार मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि हम टाइम पे पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे। तुम्हें क्या लगता है पहुँच पाएंगे? आपको क्या लगता है पहुँच पाएंगे? नहीं ना, मैं और फिजा एक ही टीम में और आप गलत होएंगी। क्यों? क्योंकि आपने लेट बहुत कर दिया, हम नहीं पहुंच पाएंगे। चल भाई पंचर वाले जल्दी आवा भर दे। एक तो भाई कहीं यहाँ ना हो कहीं जान ना हो, ये टायर और ये सारी चीजें जो होती है ना, वो सारी चीजें उसी वक्त होती है कि कहीं जाना है इंसान को, वरना वैसे सालों साल गाड़ी खड़ी हुई है भाई, कोई मसला नहीं है। ऐसा है कि नहीं है? हाँ जी बिल्कुल है जी जी। एबनॉर्मल आपका रोजा नहीं है, मुझे पता है। इन्होंने कहा मुझे एबनॉर्मल बोला तो इनका रोजा नहीं है, मतलब है ना जी, है ना। फिर तो आपके टूट जाते हैं रोजे गुजरे हैं। ये मुझे ऐसे बोलनी है, अब इनके रोजों का सवाब भी मुझे मिलेगा, है ना, है ना। चल भाई जल्दी कर दे, भाई जल्दी कर दे। भाई साहब यहाँ तो इतना ट्रैफिक है, हम कैसे पहुँचेंगे टाइम से? यार हट जाओ, कुछ कर लो, कोई काज। गाड़ी में ये ऑप्शन होता है कि मैं उड़ के चला जाऊँ, क्या करें यार, बस 2 मिनट रह गए इफ्तारी में। हमारी भाभी तो पूरा दस्तखान चढ़ा के बैठी हुई है भाई, कब से तो रोजा भी भूल गया। तो भाई साहब फाइनली मैंने बोला था ना इफ्तार के बाद पहुंचेंगे, तो भाई पहुंच गए। और इफ्तार में हमारी भाभी ने आज बनाया ना, भाभी ने हमारी क्या क्या बनाया भाई, फ्रूट चाट, मैक्रोनीज और ये क्या है, दही बड़े। चलो इससे मेरा तो वास्ता नहीं है, समोसे और पकौड़े और फ्राइज। यार थोड़ा सा बंदा तैयार हो जाता है भाई जान, आप लोग के चक्कर में तैयार हो जाए, मेरे कपड़े सी सब पड़े हैं। चलो आप इफ्तार के बाद तैयार हो जाना, मैं आके बंद कर लेंगे। मेरा एक ही तैयार होना है, काली टी शर्ट काला पजामा, मैं तैयार। ये तो सही है, तो भी अब चुपचाप से बैठ के इफ्तार करते हैं, फिर उसके बाद आज वीडियो आगे कंटिन्यू करने से पहले मैं भी आप लोग की तरह पैसे कमाने के नए नए तरीके ढूंढता रहता हूँ। तो इसी तरह काफी सारी चीजें ट्राई करने के बाद मुझे एक जबरदस्त सा प्लेटफॉर्म मिला है जिसका नाम है IQ ऑप्शन। IQ ऑप्शन बताता हूँ, ये एक ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप लोग क्रिप्टो करेंसी फॉरेक्स ट्रेडिंग वगैरह करके पैसे कमा सकते हो। तो भाई ये हमने कर लिया IQ ऑप्शन को ओपन, और सामने ही कुछ इस तरीके का इंटरफेस है। सामने आप लोग के ग्राफ दिया गया है और साइड पे ट्रेड लगाने के ऑप्शन दिए गए हैं। पे मुझे लग रहा है कि मार्केट ने जाना है डाउन, तो मैं $200 की ट्रेड डाउन पे ले लेता हूँ। मैंने यहाँ पे लोअर की ट्रेड ले ली है और 1 मिनट बाद इस ट्रेड का रिजल्ट भी आ जाएगा। साथ ही साथ यहाँ पे साइड में ट्रेडिंग के टूल्स भी हैं, वो आप ट्रेडिंग में भी यूज कर सकते हो। ये देख सकते हो मेरी ट्रेड का प्रॉफिट मेरे अकाउंट में आ चुका है, आप लोग भी इससे पैसे कमा सकते हो। देखो भाई इस पे ट्रेडिंग करना तो भाई बहुत ही आसान है, क्यों? क्योंकि मिनिमम जो डिपॉजिट है ना भाई वो है $10। ये जो प्लेटफॉर्म है ना बिल्कुल सेफ है भाई, किसी भी टाइम विड्रॉल, किसी भी टाइम डिपॉजिट, सब इजी सीन है। साथ ही साथ 24/7 कस्टमर सपोर्ट भी मिलती है। अब टेंशन लेने वाली बात नहीं है, घर बैठे इजीली काम कर सकते हो और घर बैठ के ही पैसे कमा सकते हो, और वो भी भाई दुनिया के किसी भी कोने में बैठ के आप ट्रेड करके पैसे कमा सकते हो। यार जब आप लोग IQ ऑप्शन में डिपॉजिट करते हो तो भाई आपका पैसा सेफली डिपॉजिट किया जाता है, सेपरेट बैंक अकाउंट्स में रखा जाता है फॉर ओनली सिक्योरिटी पर्पस। अब इसका जो मिनिमम डिपॉजिट है वो है $10, जिससे आप लोग आसानी से ट्रेडिंग स्टार्ट कर सकते हो। मैंने भी इन लोग की टीम ज्वाइन किया और भाई आप लोग के लिए प्रोमो कोड इंट्रोड्यूस करवाया है। अब जो मेरा प्रोमो कोड है ना भाई वो स्क्रीन पे लिखा हुआ आ रहा है, ये प्रोमो कोड यूज करके आप लोग सेफली ट्रेड कर सकते हो। अब मुझे पता है भाई शुरू में मेरे भाइयों और बहनों को बड़ी परेशानी होगी, लेकिन आप लोग रिस्क फ्री ट्रेड भी कर सकते हो जिससे आपका 0 लॉस होगा, और तो और इस पे इजीली ट्रेड करके आप पैसे कमा सकते हो। घबराने वाली बात बिल्कुल नहीं है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलो लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। सो भाई साहब फाइनली हमने इफ्तार कर ली थी भाई, कोई केक शेक नहीं लिया था यार टाइम की वजह से। तो मैंने सोचा कि भाई अभी बाहर निकलते हैं, जरा ये गाड़ी जो मैं चला रहा हूँ ना इसके जो पावर विंडोज के जो बटन होते हैं और ये एसी की ग्रिल, तो मैंने सोचा यार ये शॉप पे देके आ जाऊँ, क्यों? क्योंकि उसका सामान वगैरह सब रखा हुआ है, तो ये हाथ के हाथ ये वाला काम हो जाएगा। और रही दूसरी बात, हाँ वो केक वाली भाई, वो भी लेने चलते हैं। गाड़ी हम लोगों ने छोड़ दी और अब केक लेने आ चुका हूँ भाई। यहाँ पे तो बेकरी नहीं मिल रही थी कोई, बड़ी मुश्किल से एक बेकरी मिल गई। ये आ गया भाई हमारा केक, 3 मिल्क केक। ये लो भाई ये आ गया हमारा केक। केक के बाद जो है ये फूल कंपलसरी है भाई, केक के साथ फूल अच्छे लगते हैं। लेकिन ये कि भाई हम एक फूल एक और एक्स्ट्रा लेंगे, क्यों? क्योंकि भाई हमारी बेगम भी तो है।
एक बुके मेहमानों के लिए और पूल बेगम के लिए। ये हो गए दोनों डन, अब फटाफट से चलते हैं। लारे भाई की गाड़ी लेके शॉपिंग पर, लारे भाई को अकेला अकेला घर छोड़ के जो इनके चले गए गाड़ी बनवाने के लिए। बेगम बेगम सारी लोग जा रहे हैं शॉपिंग पे। सना हमें ड्राइविंग पे लेके जा रही है, हमें हमारी भाभी लेके जा रही है इनकी शॉपिंग पे, इनके भाभी लेके जा रही है। दो भाभी पानी में गई। अस्सलाम वालेकुम भाई, मैं वेलकम बैक, ये आप लोग के लिए लेके आए हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। गाड़ी दे दी आपने? गाड़ी मैंने दे दी। ये लोग कहाँ चले गए? ये हमें छोड़ के शॉपिंग में चले गए भाई साहब। भाई मैं घर आया हूँ वापस, कोई है ही नहीं, ये लोग तो चले गए गाड़ी। और इन्होंने अपनी बेगम को ड्राइविंग जो सिखा दिया है। वो लोग बोले हम शॉपिंग पे जा रहे हैं। भाई यार चलो अब। उई गिर गया यार वो, मैं हफ्सा के लिए फूल लिया था, वो गिर गया। नहीं नहीं बदला गिर गई। नहीं नहीं वाकई में फूल गिर गया यार, शिट। इसमें से निकालूंगा। नहीं नहीं एक सेकंड में देख के आता हूँ, भारी गिरा हुआ। चल भाई चल के देख के आते हैं। चल जाए यार। अबे भाई साहब ये पड़ा हुआ है यार, शिट। देखा मुझे पता था ये यहीं गिरा होगा कहीं। फाइनली भाई फाइनली, जब आपका ईमान सच्चा और पक्का हो ना तो मिल ही जाता है। बीच रोड पे पड़ा हुआ था। चलो इसको भी यहाँ रख देते हैं भाई। चलो आओ भाई, भाई लगाओ यार टेकन शेकन लगाओ यार, क्या कर रहे हो आप? टेकन 8 है आपके पास? हाँ। चलो भाई टेकन 8 देखते कैसा होता है, मैंने तो नहीं खेला आज तक। 2 hours later. तो भाई मैंने टेकन में भाई को हराया, क्रिकेट में भाई को हराया, फिर उसके अच्छा। बाद हम आ गए खाना खाने। अब खाना खाने आए हाँ, ऐसा क्यों बोला जा रहा है मुझे? ये बोल गेम तेरा पॉज करके आए मैम। भाई खाना आ गया, आ गया भाई आ गया। भाई ये गिर गया भाई। ओए होए 50 के 100 के पता नहीं कितने के होंगे, डॉलर्स में होंगे जितने। सही है सही है। आप खाना वाना नहीं खा रही क्यों यार? आप ना हारे हुए हैं तो हारे हुए लोग नहीं बोलते। अच्छा अभी आप हारे हैं, आपको पता नहीं है? हाँ तो आप हार गए, आप माने ये बात, एक्सेप्ट करना सीखे। मैं खेलता हूँ, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। उस दिन मैं हारा भाई, मैंने एक्सेप्ट किया, मैं हार गया कोई बात नहीं, लेकिन ये लोग एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे। ओए होए भाई साहब इतने सारे रायते आ गए लेकिन खाना कहाँ है भाई? और हमारी फिजा ने मंगवाए हैं फ्राइज। फिजा खिला नहीं रही, अकेले अकेले खा रही, मैं देख रहा हूँ। ओए होए होए भाई थैंक यू भाई थैंक यू। मजा आ गया भाई। चलो भाई खाने का वेट करते हैं, खाना है फिर खाते हैं फिर जाते हैं। सो भाई साहब फाइनली खाना आ चुका है। खाने में हमारे पास है ये मटन चॉप्स और चिकन मेशवी। वाओ ये राइस और ये है मंदी। मदबी भाई मदबी। लड़ो नहीं यार। चलो भाई आप चुपचाप खाते हैं और अब खाते हैं फटाफट से खाना। जनाब ने हमारे लिए उमरा मुबारक का ये मंगवाया है, थैंक यू सो मच। हमेशा आप लोग ही हमारे लिए मंगवा के कट करते हैं। हमेशा निकाह मुबारक, शादी मुबारक, अब उमरा मुबारक। गुड गुड ऐसे ही चलना चाहिए। 2 hours later. खाना वाना खा लिया, सारी चीजें हो गई भाई ठीक है। चलो भाई सही है भाई, बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके। अरे 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 बस अपना ढेर सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़। बहुत बहुत शुक्रिया। आ जाओ भाई तुम तो आ जाओ, ये सिपर विपर लेके बेइज्जती करा दी मेरी आज। चलो भाई अल्लाह हाफिज़। तो चलो भाई फटाफट से निकलते हैं घर और फिर देखते हैं क्या है भाई। वहाँ से फ्री होकर हम लोग घर आ गए थे, सैरी वेरी कर ली, तो भाई नमाज वगैरह पढ़ के फ्री हो गए। अब तो भाई उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आएगी, तो ढेर सारा प्यार दिखा देना, लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट कर देना। और भाई यार 1 million करा दो खुदा के वास्ते। अल्लाह हाफिज़।